पहले पंछी था, अब ट्विटर है। पहले बुक थी, अब फेसबुक है। पहले टेलीग्राम था, अब इंस्टाग्राम है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं, हाउसफुल चार के गाने के बोल है। और सुनिए, हीरो बीच सड़क खड़ी हीरोइन से सवाल करता है, 22 के पहले क्या आता है? हीरोइन हैरान होकर जवाब देती है, 21। तब हीरो मुस्कुराकर कहता है, 21 दे दे फौरन। बैड जोक, पर ये फिल्म के डायलॉग्स हैं। फिल्म के तीन अहम किरदार हैं, तीन कबूतर, और इनके नाम है, मानो या न मानो, नील, नितिन और मुकेश। अगेन अ वेरी बैड जोक। फिल्म का प्रोड्यूसर सचिन नरियादवाला इज क्रेडिटेड फॉर द स्टोरी, जो रेइनकार्नेशन के सब्जेक्ट पर आधारित है, और वो भी कॉमेडी सेटअप में। यानी 600 साल पहले जब अक्षय कुमार सितमगढ़ के राजा थे, बॉबी देओल राजकुमारी के अंगरक्षक और रितेश देशमुख वहाँ की राजनर्तकी। 600 साल पहले जब तीनों लड़कियाँ यानी कृति सैनन, पूजा हेगडे और कृति खरबंदा वहाँ की राजकुमारियाँ। आज यानी 2019 में तीनों हीरोज लंदन में हेयर सलोन चलाते हैं और तीनों हीरोइंस बस इश्क लड़ाती हैं। और इत्तफाक की बात यह है कि सबने एक साथ पुनर्जन्म लिया है और सबको सब कुछ याद है। तालियां। जब पर्दे पर हीरोज अपने पिछले जन्म को याद कर रहे थे, यानी 1419 में क्या हुआ था, तब मैं थिएटर में बैठे अपने फ्लैशबैक में जा रही थी। साल 2010 के हाउसफुल में था नाच गाना, बीचेस, बिकिनी और साथ में थप्पड़ मारता हुआ चिंपैंजी और शेर सुनाता हुआ टाइगर। साल 2012 के हाउसफुल 2 में था नाच गाना, दुल्हा दुल्हन के साथ बड़ी गाड़ियाँ और आलिशान महलें। साल 2016 के हाउसफुल 3 में था फिर से नाच गाना, स्लैपस्टिक ह्यूमर, सुपरस्टार्स और सुपर रिमिक्सेस। और अब इस फ्रेंचाइज की चौथी पेशकी, जो कॉमेडी जॉनर की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, यानी हाउसफुल 4 में है मो ग्लैमर, मो ग्रैंडियर एंड ऑफ कोर्स मोर मैडनेस। यानी कबूतर, घोड़े, स्नेक्स और स्कॉर्पियंस। इस फिल्म का न सीरियस रिव्यू हो सकता है, ना कोई रेटिंग्स दी जा सकती है, तो अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मेरी ओर से और बिग एफएम परिवार की ओर से शुभ दीपावली। 92.7